सोनीपत से भाजपा प्रत्याशी रमेश चंद्र कौशिक सोनीपत निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी को भाजपा प्रत्याशी रमेश चंद्र कौशिक ने सभी कागजात सौंपकर चुनाव प्रक्रिया की शपथ ली। इस दौरान सोनीपत से भाजपा प्रत्याशी रमेश चंद्र कौशिक ने बताया कि उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल किया है और कैप्टन साहब ने सारा डिटेल में बता भी दिया है। क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में एक जबरदस्त हवा है। दूसरी पार्टियों के पास ना कोई नेता है ना कोई नीति है और ना उनका कोई प्रोग्राम इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो आज देश में और प्रदेश में भी हमारे सरकार ने ईमानदारी से प्रशासन चलाया और दिया है और लोगों को दिखा दिया है कि अगर स्वच्छ प्रशासन दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे प्रदेश की। और हमने 4.5 साल में हमारी प्रदेश की सरकार ने चाहे नौकरियों में चाहे हर काम में स्वच्छता बढ़ती है और अपने 4.5 साल जो हुए हैं उनमें हमने विकास का काम केंद्र सरकार में रहकर पूरी गति से बढ़ाया हो और मेरे लिए जो जिम्मेवारी पार्टी ने दी थी उसको सक्रिय भूमिका रूप में निभाया है। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपूर्ण देश में एक ताकत के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं और उनके सामने कोई भी नजर नहीं आ रहा है। देश में और प्रदेश में भाजपा ने अच्छा कार्य किया है, एक स्वच्छ प्रशासन देने का कार्य भी किया है और जो भी कार्य की जिम्मेदारी उनको भाजपा ने लगाई है वह भी पूर्ण करेंगे। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।